हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल रजा स्टील फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमने टफन ग्लास की रेलिंग लगाई है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसमें अंदर हमने जो 2.5 सवा का पैप लगाया है दोस्तों, 2.5 डेढ़ का पैप लगाया है और 12 mm ग्लास लगाया है। इसके अंदर ब्रैकेट वगैरह लगाए हैं, 4 इंची ब्रैकेट रहते हैं, 12 mm का हॉल रहता है इसमें। आप पूरी वीडियो देखें, आपको हमने इस वीडियो में सब बताया है कि किस तरीके से हमने हॉल करे हैं, किस तरीके से ब्रैकेट लगाए हैं, किस तरीके से ग्लास का नाप लिया है, क्या और कॉस्ट वगैरह भी इसमें बताइए, कितना खर्चा आया है इसमें रेलिंग में। आप पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखें और आपको समझ में आएगी। और वो जो नार वाला बटन है, उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चेंज हो जा। दोस्तों, ये 304 का ब्रैकेट है, इसमें 12 mm ग्लास लगता है। अब हम ये हमने फास्टनर लगाए हैं, इसमें फास्टनर के साथ इसको अटैच करके बढ़िया करके घुमा देते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो हमारे सारे 304 के ब्रैकेट हैं। आप शाइनिंग वगैरह भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी इसमें शाइनिंग आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, सारे हमने ब्रैकेट वगैरह जो जितने थे हमने सब लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे करके हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं और बाकी से टैड वैड भी कर लेते हैं बढ़िया करके। आप जो देख सकते हैं, ये 2.5 डेढ़ का पैप है, 2.5 ऐसे में रहता है, 1.5 ऐसे में रहता है। और जो हमारा ग्लास वगैरह भी आ चुका है, 12 mm टफन ग्लास है हमारा। आप मोहर वगैरह भी चेक कर सकते हैं, इसमें हमारी ये मोहर है, इसके अंदर अमूक टफ के नाम से मार्केट में यह आता है, तरीके से काट हॉल वगैरह बढ़िया कर। तो फाइनली दोस्तों, हमारा पूरा ग्लास वर्क हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं आगे के, अब बाकी सफाई वफाई का थोड़ा बहुत काम रह गया, बाकी करके दिखाते हैं। अब यहाँ तक हमने अभी रेलिंग लगा दी, बाकी आपको तो बता रखा था कि कैसे करके हमने काम कराया सारा। देखिए थोड़ा फिनिशिंग का काम हमारा रह गया है, और एक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी करके हमने रेलिंग लगाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। दोस्तों, आप इसमें शाइनिंग वगैरह देखें, आपको कहीं भी ऐसा नहीं पता चलेगा कि इसमें अंदर फील ही नहीं होगा कि इसके अंदर जॉइंट लगाया है, कैसे करके जॉइंट लगाया। वेल्डिंग भी देख सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की वेल्डिंग हमारी यहाँ काम में नहीं दिखेगी। चेक करें इसको, इस जोड़ को भी चेक करें आप, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की ऐसी गंदगी वगैरह नहीं दिखेगी। बाकी हम इसमें अभी क्लिप वगैरह लगा रहे हैं, क्लिप लगा के इसको जाम करना है हमें रेलिंग को, और फिर बाइट सीमेंट का जो प्रोसीजर रहेगा वो आपको हम दिखाएंगे, अपडेट करेंगे पूरी वीडियो में कि किस तरीके से हमने काम करा है। दोस्तों, ये हमारा पाइप जो है 2.5 डेढ़ का है, 2.5 इंची ऐसे में रहता है, 1.5 इंची ऐसे में रहता है। इसमें जो ग्लास हमने यूज़ किया है 12 mm टफन ग्लास, कुछ यहाँ का दिखाते हैं। अब यहाँ का देखिए, आपको जो यहाँ पर जो बहुत से लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग वगैरह नहीं मारते, हाथ कटने का डर रहता है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ भी वेल्डिंग कर देते हैं अगर थोड़ा बहुत निशान निशान आता है। बाकी हमने यहाँ से एक 6 इंची का लगा दिया है, एक ब्रैकेट ही सही यहाँ का कोना बना दिया प्रॉपर। दोस्तों, क्या रहता है, आप कभी ग्लास लगाएं तो जो जॉइंट रहेंगे शीशे के
जो यहाँ से जो बाहर के दोनों शीशे मिले हैं वो दोनों बराबर रहना चाहिए, अगर बराबर नहीं तो आप रेलिंग में वो फिनिशिंग वगैरह नहीं आती है इतनी। आप जॉइंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, और ये देखिए हमने इसमें जो वेल्डिंग करी है, आपको कतई वेल्डिंग तो पता ही नहीं चलेगी कि वेल्डिंग किस तरीके से करी है, कहीं सेम ऐसा प्रॉपर होता होगा ना निशान वगैरह कोई भी। और यहाँ भी वेल्डिंग हमने बढ़िया करके कर दी है, इधर से भी वेल्डिंग हम कर देते हैं। और बाकी ये दोनों ग्लास का हमने जोड़ एक आमने सामने मिला रखा है, बाकी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है रेलिंग में। आप देखिए सारा काम हो चुका है, बाकी आपको आगे दिखा दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, हम इसमें जो है मास्किंग टेप का यूज़ करते हैं, मास्किंग टेप लगा के बढ़िया करके हम और फिर इसमें सिलिकॉन भरने का कार्य करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट वगैरह में हमने सब में मास्किंग टेप बढ़िया करके लगा दिया है, और वो जो लाल वाला सिलिकॉन आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग लगाते हैं। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आप सिलिकॉन वगैरह अगर कभी भी लगाएं, आप एक चीज़ का ध्यान दें, सिलिकॉन लगाने से पहले आप मास्किंग टेप वगैरह का प्रयोग करें। अगर मास्किंग टेप वगैरह आप नहीं लगाएंगे तो जो सिलिकॉन जो रहता है वो शीशे पर लग जाता है और उससे फिर थोड़ी गंदगी दिखती है। ब्रैकेट वगैरह में भी हम बढ़िया करके सिलिकॉन लगा देते हैं। बाकी आप ग्लास वर्क का व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा लुक आ रहा है दोस्तों इसमें, इतना बढ़िया लग रहा है दोस्तों देखने में ये। और कभी भी आप ग्लास वगैरह काम करें तो आप फिनिशिंग वगैरह का भी थोड़ा ध्यान दें। बाकी आपको दिखाते हैं, ये हमने इसमें सारा वाइट सीमेंट वगैरह दोस्तों आपको दिखाया था ऊपर, उस समय भरा नहीं था हमने, अब वाइट सीमेंट वगैरह बढ़िया करके हमने सही तरीके से भर दिया है पूरी रेलिंग के अंदर। हमने वाइट सीमेंट वगैरह जितना भी रहता वाइट सीमेंट का काम हमने कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है रेलिंग की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए हमने सब में वाइट सीमेंट वगैरह बढ़िया करके लगा दिया है। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसी खाली रेलिंग वगैरह लगा देते हैं, बाद में उसमें वाइट सीमेंट वगैरह भरते नहीं है, तो उससे जो है फिनिशिंग वगैरह नहीं दिखती है रेलिंग में किसी भी प्रकार से। आप कभी भी स्टील की रेलिंग लगाएं तो वाइट सीमेंट वगैरह जो भी है लगा दें बढ़िया करके, तो उससे थोड़ा लुक को आ जाता है। बाकी पेंट वगैरह जो होता है वो उसमें पुट्टी वगैरह जो भी वो अपना कर देगा सारा काम। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा रेलिंग का काम अंदर से हमारा पूरा हो चुका है। आपको आप अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करके हमने इसमें पूरा काम किया है। आप कभी भी स्टील वगैरह माल लगवाएं तो 304 का ही पाइप लगवाएं, अगर 202 वगैरह भी आता है आजकल मार्केट में लोग लगा देते हैं तो उसमें जो होता है जंग आने का खतरा रहता है। आप कभी भी किसी से भी काम कराएँ तो गिलास जो है टफन गिलास यूज़ करें और 12 mm का गिलास लगाएं। 10 mm का भी ऐसा आता है गिलास आता है, जो लोग 12 mm के ब्रैकेट लगा देते हैं 10 mm का गिलास लगा देते हैं, उसमें क्या रहता है शीशा जो होता है हिलता है, रेलिंग में मजबूती नहीं आती है किसी भी तरीके की, रेलिंग में मजबूती नहीं आती, बाद में गिलास वगैरह हिलने लगता है। वो कुछ दिनों तो सही रहता है, बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी इसमें। आप कहीं भी जोड़ ओड़ वगैरह जो रहते हैं वहाँ पर भी बढ़िया करके मिस्त्री से सिलिकॉन लगवाएँ। और बाकी सीमेंट वमेंट जो रहता है वाइट सीमेंट वगैरह जो काला सीमेंट जो भी आप लगाते हैं वो आप सही तरीके से लगाएं लगवाएं, अगर आप नहीं लगवाएंगे तो फिर उसमें जो रहेगा फिनिशिंग का काम बेकार दिखेगा और आपके रेलिंग में वो उतनी ख़ास बात नहीं आएगी। अब ये देखिए हमने यहाँ पर सारा काम बढ़िया करके कर दिया है। अब दोस्तों इसकी कॉस्ट की बात करें, इसमें रेलिंग में हमारी कॉस्ट आई है 1,19,000 रुपये की। हमारी ये रेलिंग जो फुट के हिसाब से बताऊं, रेलिंग हमारी बैठ रही है 185 फुट रेलिंग बैठ रही है, 1,600 रुपये रनिंग फुट के हिसाब से हमने ये काम करा है। और इसमें जो कॉस्ट आई है हमारी दोस्तों 1,19,000 रुपये की आई है, जिसमें हमने 12 mm का यूज़ किया है। आपको बाहर से दिखाता हूँ, बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार की रेलिंग लगती है देखने में, और 12 mm ब्रैकेट के साथ 12 mm ग्रुप पाइप के साथ। आप कभी भी ग्लास वर्क का काम कराएं तो अच्छे मिस्त्री से कराएं, अगर आप उल्टे सीधे मिस्त्री से अगर काम कराएंगे तो आपकी फिनिशिंग वगैरह नहीं आएगी। और रेलिंग का जो काम रहता है वो नाजुक काम रहता है, कच्चा काम रहता है। ग्लास जो रहता है 12 mm का लगाएं या 10 mm का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ग्लास परचेज़ करना चाहते हैं। हम तो जो ग्लास यूज़ करते हैं अमूक टफन के नाम से मार्केट में आता है, हम लोग वो यूज़ करते हैं उसका।
आप रेलिंग का व्यू वगैरह बढ़िया देख सकते हैं। जिस कोठी में हमने काम किया है, इस कोठी में हमने, आप देख सकते हैं पूरी कोठी इस प्रकार से देखने में लगती है कुछ इस तरह से। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग वीडियो देखते हैं मेरी, कमेंट कहाँ कहाँ से करते हैं। जो भी आप वीडियो देखते हैं भाई, एक एक कमेंट ज़रूर करें, आपको इसमें ये पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।